हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। जिसे आपको नहीं पता कैरी मिनाटी कौन है, तो आपको मैं बता देता हूँ। टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब का जो कंट्रोवर्सी चालू हुआ था, कैरी मिनाटी ने ही अमित सिद्धि को रोस्ट किया था। कैरी मिनाटी का एक चैनल था कैरी लाइव, जो चैनल हैक हो चुका है। तो ये चैनल हैक कैसे हुआ, इसी के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप लोगों का भी एक यूट्यूब चैनल है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस तरह की अगर फॉलो करते हैं टिप्स को, तो आप हैक होने से बच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बेसिकली आपको पता होगा कैरी मिनाटी का दो चैनल है। एक फर्स्ट चैनल है कैरी मिनाटी, जिसपे आपको 24 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। और सेकेंड चैनल है कैरी मिनाटी लाइव, जिसपे वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो उनका ये चैनल अचानक से कल के डेट में हैक हो जाता है। हैक होने के बाद उस चैनल पे मॉर्निंग में 4 से 5 बजे उस पर लाइव स्ट्रीम आते हैं। अब जिस व्यक्ति ने हैक किया है, वो व्यक्ति यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, यदि वहाँ से आप लोगों से पैसे मांगे या फिर कैरी मिनाटी के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, बहुत सारे लिंक ऐसे दिए गए होंगे, तो उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो हो सकता है आप लोगों का भी चैनल जो है सो हैक हो सकता है। तो इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। और बेसिकली हैक होता क्यों है, इसके आपको पता है। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आपको यहाँ पे 2 वेरिफिकेशन भी लगाना है। लेकिन हैकर जो होते हैं, 2 वेरिफिकेशन तो मिनट में भी आपको बाईपास कर देता है। यदि इस तरह की हैकिंग से यदि बचना चाहते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादातर जो आपके पास स्पॉन्सरशिप के लिए मेल वगैरह जो आता है, तो वहाँ पर कई सारे गलत लिंक यानी कि फ्रॉड लिंक आपको दिया जाता है। यदि उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड उनके पास चल जाता है। आपने काफ़ी दिनों पहले अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन आपने यूज किए होंगे, यूज करने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो होता क्या, जैसे कि कोई एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन है, मैं आपने यूज किए 2 साल 3 साल पहले, इसके बाद उस एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन होता क्या, उस एप्लीकेशन को किसी व्यक्ति ने बेच देता है, और कोई व्यक्ति खरीदता है, यानी कि उस सर्वर को ही खरीद लेता है। तो सर्वर खरीदने के बाद उसमें जितने भी व्यक्ति लॉगिन किए होते हैं, तो लॉगिन और पासवर्ड जो है उस व्यक्ति के पास चला जाता है। तो वहाँ से भी मिसयूज हो जाता है, नहीं कह रहा करता है, लेकिन हो जाता है, या मिसयूज करने वाले कर भी देते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे कारण हैं, जिसके कारण से टिकटॉक अकाउंट जो है, सॉरी यूट्यूब चैनल जो है, आप लोगों का हैक हो सकता है, और हो रहा है। जैसे आप सोच सकते हैं, इतने बड़े यूट्यूबर का अगर हैक हो सकता है चैनल, तो आप लोग तो समझ सकते हैं, आप लोग तो एक छोटे यूट्यूबर है, चाहे हम लोग भी, तो हम लोगों को भी चैनल हैक हो सकता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, और इनका कैरी मिनाटी के चैनल कब तक वापस आ जाएंगे, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम लग सकता है, उन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया है, तो आप जाकर वहाँ से रीट्वीट भी कर सकते हैं, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे कैरी मिनाटी ने भी पोस्ट डाला है, तो पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर है कि उनका चैनल हैक हो रहा है, और बार बार उस चैनल पे लाइव आया जा रहा है, और लाइव आने के बाद उस वीडियो को जस्ट ही रिमूव कर दिया जा रहा है। तो क्या रीजन अभी तक पता नहीं चला है। कैरी मिनाटी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी पोस्ट अपलोड कर दिया है, तो देखते हैं कब तक वापस आता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।